डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास टुडे वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर फोर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आवर टॉपिक इज कोर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड द सेकेंड टॉपिक विल बी पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दिस इज ऑनलाइन लेसन नंबर फोर लेट स्टार्ट एक रिएक्शन देख रहे हैं कि इसमें अमोनिया जो है एन एच थ्री ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयन के साथ इस पे हम अगली स्लाइड में बात करेंगे तो जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोन ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये लोन पेयर लिखा हुआ है और यहाँ पर एक पेयर जो है ये देखें ये बॉन्ड पेयर है ये नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड पेयर बना रही है ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड पेयर बना रही है और ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड पेयर बना रही है लेकिन ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है जो है तो वैलेंस शेल के अंदर लेकिन ये रिएक्ट नहीं ये शेयर नहीं कर रहा ना इस हाइड्रोजन के साथ ना इस हाइड्रोजन के साथ ना इस हाइड्रोजन के साथ तो ये लोन पेयर कहलाता है अब ये एक हाइड्रोजन आयन जो है जिसका इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर है रिमूव हो गया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये जब इसके करीब आता है तो अब इसको ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए और इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है तो ये अपना लोन पेयर जो है ये पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा लोन पेयर जो है ये इसको क्या कर देगा और डोनेट कर देगा तो अमोनिया का ये नाइट्रोजन एटम जो है ये एक्चुअली क्या बन रहा है डोनर क्योंकि ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लोन पेयर इसको क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है और ये प्रोटॉन जो है या जिसको हम हाइड्रोजन आयन कह रहे हैं तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर रहा है लोन पेयर को रिसीव कर रहा है तो ये एक्सेप्टर कहलाएगा ठीक है जी ये डोनर और ये एक्सेप्टर क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर को और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो अब ये मिलकर ये अमोनियम आयन बना रहे हैं इस एन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस इनके दरम्यान तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है जाहिर है दोनों तरफ से शेयरिंग हो रही है चूंकि इधर भी दोनों तरफ से शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की इधर भी दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है लेकिन यहाँ से जो शेयरिंग हो रही है ये वन साइडेड शेयरिंग है सिर्फ नाइट्रोजन ही शेयर कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक लोन पेयर को लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है शेयर नहीं कर रहा है ये वाला हाइड्रोजन जो एच प्लस ऑन है तो ये कहलाता है हमारा कॉर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो आज का हमारा टॉपिक है कॉर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो इसको हम इसकी डेफिनेशन को अब देखते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी इसको कहते हैं और कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इसका नाम है तो कॉर्डिनेट कोवेलेंट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली जो हमने बताया था कि नाइट्रोजन सिर्फ डोनेट कर रहा है एक लोन पेयर को तो इसलिए ये इस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिर्फ वन साइड से होती है उसको हम डेटिव कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं अब डोनर देख लें द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर अभी हमने बताया था कि ये नाइट्रोजन ऐटम के पास लोन पेयर है तो ये डोनेट कर रहा है तो ये डोनर ऐटम है द एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर और सेकंड एक्सेप्टर देख लेंगे यहाँ हमारा प्रोटोन जो था हाइड्रोजन आयन जो था वो हमारा द एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर और लोन पेयर हमने अभी देखा था कि लोन पेयर द नॉन बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड ये बॉन्ड नहीं बना रहा ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ठीक है ये लोन पेयर कहलाता है द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड अ लोन पेयर द लोन पेयर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन अमोनिया इज कॉल्ड लोन पेयर एन एच थ्री के ऊपर जो और इसको हम आमतौर पर इस तरह के एक डबल डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये हमारा डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई और अब इसको इंडिकेट कैसे करते हैं यहाँ पर एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ डोनर और एक्सेप्टर है तो इस वजह से इसको हम उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी अ स्मॉल एरो इज यूजली यूज टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिंग डोनेटेड तो यहाँ पर एरो जो है वो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ जाएगा द हेड ऑफ़ एरोज़ टूअर्ड्स द एक्सेप्टर एटम तो ताकि पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन डोनर है और हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है एरो तो एक्सेप्टर हाइड्रोजन अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रोटॉन क्या है अभी हम हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे थे इसी को प्रोटॉन भी कहते हैं देखें ये हमारे सामने एक हाइड्रोजन का एक, एक एटम है इस हाइड्रोजन तो हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर वन है इसका मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और हमें ये भी पता है कि इसके पास एक ही प्रोटॉन है और प्रोटियम जो हमारा बेसिक इसका हम आइसोटोप है इसके अंदर हमें पता है ये न्यूट्रॉन कोई मौजूद इसके अंदर नहीं है तो जब हमें पता है अब होगा क्या अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है आयनाइजेशन हो जाती तो उसके बाद इस एटम के पास क्या बचेगा हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा इसी वजह से इसको प्रोटॉन भी कहते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर तो हाइड्रोजन आयन जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और बाकी प्रोटॉन बच जाएगा सिर्फ तो हम यहाँ कह रहे हैं व्हाट इज अ तो प्रोटॉन या H प्लस आइन क्या है तो इसकी ये हाइड्रोजन और एच प्लस और हाइड्रोजन आयन इज जस्ट अ प्रोटॉन हाइड्रोजन आइटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। देर इज नो न्यूट्रॉन इन इट्स मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप प्रोटियम वैन द ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज रिमूव ड्यूरिंग आयन फॉर्मेशन इट इज लेफ्ट विद ओनली अ प्रोटॉन तो इसलिए जब प्रोटोन का इतला किया जाता है तो आमतौर पर हाइड्रोजन आयन होता है ठीक है जी अब हम अमोनियम रेडिकल की अभी एग्जांपल पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि यहाँ पर एन थ्री है इसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये हाइड्रोजन आयन जो है या प्रोटॉन जो है ये क्या कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है और ये अमोनियम आयन बना रहे हैं ठीक है यही बात यहाँ पर हमने आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दी है मैंने प्रोटॉन एच प्लस प्रोचीस मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक अमोनिया

ठीक है बी इसका हमारे सामने सिंबल है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी वन है तो इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट सेल सेकंड शेल है उसका उसके अंदर थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही हमें बताया गया है फर्स्ट शेल तो इसका कंप्लीट है सेकेंड तो शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको एट करने का ऑक्टेट रूल अप्लाई होगा यहाँ पर एट इलेक्ट्रॉन्स ने करने हैं तो इससे इसका रिएक्शन है फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन का हमें पता है एटॉमिक नंबर जो है वो नाइन है और इसके फर्स्ट शेल कंप्लीट है टू इलेक्ट्रॉन है उसके पास कंप्लीट और सेकंड शेल में इसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन है और उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड बनेगा तो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ये देखें ये बो, बोरोन का एटम है सेंट्रल आइटम्स को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द जो दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम मौजूद है तो ये सेंट्रल एटम है अब यहाँ फ्लोरीन है फ्लोरीन के पास हमें नज़र आ रहा है कि सिक्स थे इसने एक बोरन के साथ शेयर कर लिया बोर के पास थ्री थे आउटर मोस्ट शेल में तो बोरॉन ने इसके साथ एक कंप्लीट किया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ये सिक्स ये और टू ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह यहाँ तीनों फ्लोरिन आइटम जो हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया लेकिन बोरन के पास थ्री थे तो थ्री इसने शेयर कर लिए तीनों फ्लोरन्स के साथ तो अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ इसके पास क्या है सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हुए ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं हुआ यह डेफिशिएंट है या इसके पास कम है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो हमें यह पता चल रहा है द बोरोन एटम इवन आफ्टर दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन रिमेंस शॉर्ट और डेफिसिट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउट ऑफ मोशेल जैसा है कि हमने बताया कि टू टू और टू सिक्स हो गए एट चाहिए तो एक उसको पेयर चाहिए इलेक्ट्रॉन का ताकि इसका ऑप्टेट कम्प्लीट, कम्प्लीट हो जाए तो अब ऐसा बोरोन ट्राई जो है ये अब अमोनिया के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ट्राईफ्लोराइड ये कैसे होगा अब देखें यहाँ अमोनिया इसके पास लोन पेयर मौजूद है और अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड डेफिशिएंट है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर या इसको टू चाहिए ऑटोमोशल को कम्प्लीट करने के लिए तो जैसे अमोनिया जिसके पास एक लोन पेयर मौजूद है वो इसके करीब आएगा रिएक्ट करेगा तो ये बोरॉन जो है उससे क्या करेगा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर ये क्या कर लेगा एक्सेप्ट कर लेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ये ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और शेयरिंग के नतीजे में ये अमोनिया ट्राईफ्लोराइड बन जाएगा तो ये एक, एक एग्जाम्पल है हमारे सामने हमें पता चल गया अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन आइटम जो है वो डोनर है बोरन जो है इसमें एक्सेप्टर है क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट होना है तो इसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बन रही है जिसको अमोनिया ट्राईफ्लोराइड कह रहे हैं इसमें हमें एरो इंडिकेट हमें कर रहा है कि नाइट्रोजन एटम जो है वो डोनर है बोरोन एटम जो है वो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर एक्सेप्टर है तो यही लिखा है नॉ एफ ए मॉलिक्यूल पेयर लाइक अमोनिया प्रोचिस दिस मॉलिक्यूल इट एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम दैट डोनर एंड फॉर्म्स अ फॉर्मिनेट कोलेंट बॉन्ड द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स इट अ गुड डोनर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ अडिनेट कोवेलन बॉन्ड तो इसका मतलब है कि जो डोनर होगा उसके पास एक लोन पेयर मौजूद होना चाहिए और जो एक्सेप्टर है उसके पास वो डेफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर सके कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक लोन पेयर को एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके तो ये हमारी एग्जाम्पल्स हो गई दो जो इस बुक में आपके डिस्कस की गई हैं तो अब हम समराइज़ करते हैं अपने इस टॉपिक को कि डेटिव कोवलन बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वन साइड से होती है और जो डोनेट करता है उसको हम डोनर कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर को शेयर करता है वो डोनर आइटम होता है जो एक लोन पेयर को या एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर आइटम होता है और इस तरह जब शेयरिंग वन साइड से होती है तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो डेटिव कोवेलेंट जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होती है अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और वो टॉपिक है हमारा पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो अब जब हम इसकी तरफ आते हैं पोलर और नॉन पोलर तो वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पोल्स होंगे इसका मतलब है उप, डिफरेंट चार्जेस होंगे डिफरेंट एंड्स ऑफ अ मोलिकूल पे अगर तो डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा और अगर डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट एंड्स पे किसी मॉलिक्यूल के नहीं होते तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो टू तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमें समझ में आ रहे हैं एक में जो मॉलिक्यूल होगा उसके डिफरेंट एंड्स पर चार्ज ऑपोजिट हो सकते हैं एक पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है एक पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है या ये कि वो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा होगा कि उसके डिफरेंट एंड्स पर मॉलिक्यूल के डिफरेंट एंड्स पर कोई चार्ज नहीं होगा तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमने समझना है आज तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये जो एक्चुअल ट बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इफ अ बॉन्ड इज बिटवीन टू किमो आइटम्स कहते हैं मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सेम आइटम्स के दरमियान जो सिमिलर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम होमो आइटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं ठीक है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड में द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द बोथम्स इक्वली देखें अगर सेम एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी दोनों एटम्स के दरमियान वो सेम होगी क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ा था कि वो अट्रैक्शन है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एटम्स तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है वो फोर्स जिस फोर्स से कोई एटम जो है वो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अब जब हम होमो एटम की बात करते हैं तो वो दोनों सेम एटम है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई भी जो शेड पेयर होगा उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा बल्कि दोनों के दरमियान इक्वल शेयरिंग होगी उस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड ए प्योर कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि दोनों तरफ सेम एटम है और सेम एटम है तो दोनों एक दूसरे को इवनली अट्रैक्ट कर रहे हैं कोई दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा दोनों तरफ अट्रैक्शन इक्वल है तो इसका मतलब है किसी की तरफ भी चार्ज ज्यादा नहीं आ सकता तो पोल्स नहीं बन सकते अगर कोई एक ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता तो पोल्स फॉर्म हो सकते थे अब दोनों इक्वल शेयर कर रहे हैं तो ऑपोजिट चार्जेस जो है वो डेवलप नहीं हो रहे उस मॉलिक्यूल के वो एंड्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड फॉर्मेशन इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन तो यहाँ सेम एटम है दोनों हाइड्रोजन एटम है यहाँ दोनों क्लोरीन एटम है तो कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा अब जो समझने वाली बात है वो पोलर को बॉन्ड है तो पोलर को बॉन्ड जो है अब यहाँ हमने पढ़ा था कि दोनों सेम एटम होंगे अब जो है हेट्रो एटम्स हैं अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हेट्रो एटम्स का मतलब है डिफरेंट एटम्स के दरमियान अब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो अगर वो तो अब जाहिर है कि जब जो उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दोनों इलेक्ट दोनों एटम्स अलग हैं दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा कोई एक एटम जो है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा तो उस सूरत में जो दोनों एंड होंगे या दो से ज़्यादा एंड भी हो सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के उनके के दरमियान जो है वो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे दोनों के दरमियान चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे जो इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग इज़ अ केमिकल बॉन्ड वेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अन शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का जो डिफरेंस है वो उनके दरियान शेड पेयर्स को क्या कर रहा है अन एकवली अट्रैक्ट कर रहा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली देन दी अदर वन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है शेड पेयर को तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसके करीब में ज़्यादा मूव कर रहे होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस एटम के क्लोज रहेंगे जो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ये कंप्लीट चार्ज तो नहीं है जा रहा है वो तो आयनिक बॉन्ड में होता है कि वो पूरा स्नैच कर लेता है इलेक्ट्रॉन को और एक फॉर्मल कंप्लीट चार्ज आ जाता है नेगेटिव चार्ज एक फुल नेगेटिव चार्ज आता है लेकिन यहाँ चूंकि पूरा स्नैच नहीं कर सकता हो तो शेयर ही रहा है लेकिन शेयरिंग में वो अपनी तरफ पोर्शन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का तो उसका मतलब उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि पार्शल नेगेटिव चार्ज होगा अगर तो पूरा इलेक्ट्रॉन स्नैच कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड की तरह तो फिर तो फॉर्मल फुल फॉर्मल चार्ज आना चाहिए वो ऐसा नहीं होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड में बल्कि अट्रैक्शन पार्शल होती है अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसके ऊपर पार्शल चार्ज आता है ठीक है दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड एग्जाम्पल वेयर बोथ एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज तो ये एक एग्जाम्पल है इसमें हम आगे देखेंगे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ चुके हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूअर्ड इट से मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आप लास्ट चैप्टर में थर्ड चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं इसको थोड़ा सा अब हमारे सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का एक स्केल है इसमें हम पहले भी किसी लेसन में बात कर चुके हैं ये पॉलिंग स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का पॉलिंग ने जो ये एक स्केल दिया था ये रिलेटिव स्केल है रिलेटिव का मतलब ये है कि इसमें फ्लोरीन को जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आम तौर पर जो पैटर्न ये होता है कि लेफ़्ट से राइट ये इंक्रीज करती है और बॉटम टू तो टॉप ये इंक्रीज करती है तो जब हम इस एंगल से देखते हैं तो हमारे पास ये फ्रेंशियम जो है ये और सीजियम जो है ये लीस्ट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हमारे पास फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो गोया ये इस तरफ हमारा क्रॉस जो बन रहा है पैटर्न बन रहा है हमारा अब फ्लोरीन को स्टैंडर्ड मानते हो अब दूसरों की इलेक्ट्रोनेगेटिव को डिफरेंस को देखा गया है अब ये देखें यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव उसने जो पॉलिंग ने चार्ट बनाया उसके नतीजे में हमें नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और अगर हम सिर्फ इनकी बात करें जो हमारे कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं बोरॉन की 2 है कार्बन की 2.5 है नाइट्रोजन की 3 है ऑक्सीजन की 3.5 है फ्लोरिन की फोर है तो ये हम थोड़ा सा इसको देखेंगे आज इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए एक ये आपके सामने आ गया कि पॉलिंग स्केल ऑफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और हम ये फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होता है एटम्स के दरमियान तो इस चार्ट की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो ये चार्ट आपके सामने होना चाहिए अगर इसका आपको प्रिंट चाहिए तो आप स्कूल से ले सकते हैं अब एग्जाम्पल ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है एच सी एल की एग्जाम्पल हम देते हैं देखें अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रो अभी हमने देखी है 2.2 है इसकी या 2.1 पॉइंट है बाद बुक्स में आपकी बुक में 2.2 लिखी है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 3.2 है अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो हमें नज़र आ रहा है कि वन है तो इसका मतलब है कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब है वो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको या शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ज़्यादा अपनी तरफ अपने क़रीब ये गोया है जो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह क्लोरीन के ज़्यादा करीब मूव कर रहा होगा बनस्बत हाइड्रोजन के तो इसका मतलब है कि क्लोरीन पे चूंकि ज़्यादा है एक इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज ज़्यादा इसकी तरफ है तो इस वजह से इसके ऊपर हम पार्शल ये डेल्टा जो है ये साइन है पार्शलिटी का पार्शल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पर आएगा और पार्शल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा इसके नतीजे में So the difference between electronegativity of hydrogen and chlorine is one. As the electronegativity of chlorine is more, it attracts a shared pair of electrons towards itself with a greater force. A partial negative charge is therefore created on chlorine and in turn a partial positive charge on hydrogen due to electronegativity difference. It creates polarity in the bond and it is called polar covalent bond. यह आपने देख लिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और ये डिफरेंस जो है चार्जेस क्रिएट कर रहा है क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव मैंने बताया था फुल चार्ज नहीं है पार्शियल चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अब हम पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस को देख लेते हैं ड्यू टू अन इक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर पेयर और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज डिवेल्प्ड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज डिवेल्प्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंडिकेटेड बाय द डेल्टा साइन अब यह डेल्टा साइन को हमने देखा अब ये हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनकी हमने आपके सामने डिस्कस करनी है देखें यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपके बुक में दी गई है वो थ्री पॉइंट फाइव है हाइड्रोजन की टू है तो अब इन दोनों आइटम के दरमियान जो इलेक्ट्रो डिफरेंस है वो वन है इसी तरह इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा इस हाइड्रोजन पर इस ऑक्सीजन पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज इसी वजह से वाटर जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है इसके ऊपर चार्ज है वाटर मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल है अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बन रहा है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और फ्लोरीन की 4 है तो डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो 1.9 है लेकिन चूंकि ये दोनों नॉन मेटल्स हैं तो इसलिए इनके दरमियान आमतौर पर जो बॉन्ड नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है आमतौर पर और आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान तो हम आगे इस पर बात भी करेंगे अभी एच सी एल की एग्जाम्पल हम दे चुके हैं कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो पॉइंट नाइन है या वन है जैसा कि हमारी बुक में वन लिखा गया है अब प्रोडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की ये हमें थोड़ा सा देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को देखते हुए कि बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी हेलोजिन ग्रुप एंड एलिमेंट ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी मेटल्स इज आयनिक नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिफ्रेंस ज़्यादा हो जाएगा इसकी आमतौर पर कट ऑफ वैल्यू यहाँ लिखी है नीचे आ रही है वन पॉइंट सेवन है जबकि तो बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज कोवेलेंट इन नेचर ठीक है जी अगर दोनों के दरमियान कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा कंपेरेबल होगा जिसकी मैंने कट ऑफ वैल्यू आपको 1.7 बताई है जो बुक में भी लिखी हुई है आपकी तो इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो बिटवीन टू एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7, पॉइंट सेवन बॉन्ड बिटवीन देम विल बी प्री डोमिनटली आयनिक बॉन्ड ठीक है जी आम तौर पर फिर आयनिक बॉन्ड बनता है और अगर इट इज़ लेस दैन वन पॉइंट सेवन द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विल बी प्री डोमिनंटली कोवेलेंट तो ये कट ऑफ वैल्यू जो है वन पॉइंट सेवन आम तौर पर बुक्स पे लिखी है लेकिन ये जाहिर है इसमें थोड़ी सी बुक डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज़ का डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है कोई लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वन पॉइंट सेवन के अराउंड होगा उससे ऊपर होगा तो उसका मतलब है आमतौर पर आयनिक बॉन्ड बनेगा इससे कम होगा तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और बास बुक्स में वन पॉइंट फाइव से जो नीचे है तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो पॉइंट फाइव से कम होगा तो सूरत में वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड समझा गया उसको तो ये हमारा आज का टॉपिक था अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर है हमारे कि राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर रजिस्टर डिफरेंशियट बिटवीन लोअर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो लोन पेयर इज शेयर बिटवीन द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स The pair of valence electrons which does not contribute in bonding is called lone pair of electrons. What is a dative covalent bond? इसकी हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं और इसको हमने डिटेल में देख लिया है तो यह आपने इसकी डेफिनेशन जो है और इसकी एग्जाम्पल जो है इसको अपनी नोटबुक में रजिस्टर में लिखना है ये आप यहाँ देख सकते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर कोवैलट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो पोलर कोवैलट बॉन्ड अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर और हाइड्रो एटम्स इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड और अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर और होमो आइटम्स इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पोर कोवलेंट बॉन्ड की सेकेंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वली अट्रैक्टेड बाई बोथ आइटम्स तो नॉन पोलर में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाई बोथ आइटम्स एग्जाम्पल्स में एच सी एल एच टू है एग्जाम्पल्स में एच टू टू वगैरह सी एल टू भी आ सकती है वाई कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर पोलेरिटी कैसे होती है वैन देर इज डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू बॉन्डेड आइटम्स there will be unequal attraction for the bond pair of इलेक्ट्रॉ between such atoms. it will result in the formation of polar covalent bond. Mm -hmm. तो ये आज का हमारा टॉपिक था ये क्वेश्चन आंसर आपने अपने रजिस्टर्स में लिखने भी हैं उनको लर्न भी करना है जैकमल खैर असल वरहमल् वर्क